हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कलर्स ऑफ यूनिवर्स। और आज हम आए हैं नेशनल ज्योग्राफिकल पार्क। और अब हॉलीडेज हो गई है बच्चों की और आप देख सकते हैं बहुत सारा रश है। और यहाँ पे कुछ भी बाहर का खाना अलाउड नहीं है और टिकट लेने के लिए आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। उससे बेटर है आप ऑनलाइन बुक कीजिए। 80 rupees एडल्ट एंड 40 rupees चिल्ड्रेन फॉर 5 to 12 years। 3 feet से बिलो जो है वो फ्री टिकट है, उनके कोई चार्जेस नहीं है। तो आते हैं और अंदर जूलॉजिकल पार्क देखते हैं और एनिमल्स को देखते हैं क्या कर रहे हैं इस टाइम। अब इस टाइम 2:00 हो रहे हैं, अब लंच टाइम हो रहा है हमारा। अब एनिमल्स का क्या हो रहा है वो देखते हैं। मौसम बहुत बढ़िया था, सुहावना था और हमने सोचा क्यों ना जू चले और आप सबको भी मौज कराएं और हम भी मौज करें। बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे और हम भी साथ साथ इंजॉय करेंगे, क्योंकि हम तो बचपन में आए थे और अब बड़े हो गए हैं तो अब दोबारा आगे इंजॉय करते हैं। ये रोजी पेलिकन कहते हैं इसको। वो छोटा है। ये आप देख सकते हैं हॉग डीरर और एक इसमें छोटा सा क्यूट सा बेबी भी है जो शायद अपनी मम्मा के पास है और मम्मा भी उसका ध्यान रख रही है और ये मिल्क पीने के लिए जा रहा है लेकिन अभी मम्मा ने मना कर दिया। ये ब्लैक बक है और आप देख सकते हैं बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं ये और बहुत ही फास्ट रन करते हैं और काफ़ी ऊंची छलांग भी लगाते हैं रन करते टाइम। और ये भी पिकनिक मनाने लग रहा है हुए हैं सारे। एक ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं और इनका फेवरेट फूड है ग्रास लीव्स एंड बर्ड्स और ये ओपन ग्रासलैंड्स में रहते हैं, ज़्यादातर खुले में रहते हैं। ये दो मेल दिख रहे हैं यहाँ पे और जो बाकी उस राइट साइड पे हैं ये वाले ये फीमेल्स हैं। ये 2 males हैं इस झुंड के अंदर। इनके आप सींग देख सकते हैं काफ़ी शार्प होते हैं। ये अब हमारे बिल्कुल पास आ गया है, कितने सुंदर है। अब हम आए हैं सांबर के प्लेटफॉर्म पे। ये हर्बीवोरस है और इनको भी ग्रास एंड लीव्स बहुत पसंद है। अभी बाकी रेस्ट कर रहे हैं सिर्फ, अभी एक ही ये खड़ा हुआ है सांबर तो। और सींग देख सकते हैं आप इसके, काफ़ी साइज में बहुत बिग है ये। ये स्मॉल इंडियन किविट है, कस्तूरी बिलाव कहते हैं इसे। ये जाल के पीछे है तो शायद आपको इतना सी थ्रू ना हो पाए क्योंकि जाल लगा हुआ है इसके आगे ताकि ये बाहर ना आ जाए। ये जैकाल है यहाँ पे, ये भी पिंजरे के अंदर है, शायद आप थोड़ा देख पाए लेकिन थोड़ा रन कर रहा है ये। इंटेलिजेंट लोमड़ी इसको कह सकते हैं आप। ये बिल्कुल क्लोज बाय है। नहीं
ये हमारे पास आ गया। लगता है इसको घूमने के लिए ज़्यादा बड़ी स्पेस चाहिए और ये स्पेस इसको छोटी पड़ रही है। जंगल में तो खूब ऐश करते हैं लेकिन ज़ू में इनके लिए स्पेस शॉर्ट ही रहेगी। पापा तो बहुत आगे अभी हम आए हैं हिरन के पास और कई हिरन पानी पीने भी आए हैं गर्मी की में और कई रेस्ट कर रहे हैं छांव में। काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं ये हिरन। जो जिनके सींग हैं वो मेल हैं वो सामने आप देख सकते हैं और बाकी फीमेल हैं। लगता है इसे भूख लग रही है और कुछ सूंघ रहे हैं कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। देख सकते हैं और ये वेजिटेरियन होते हैं और इनका फेवरेट फूड ग्रास है। और ये अब हमारे थोड़ी पास आ रहा है, मूविंग हो रहा है और पीकॉक भी बैठा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे उसकी पूंछ भी नीचे आ रही है। तुम्हारे पास बंदर मामा। ये मंकी बहुत आराम से एंजॉय कर रहे हैं और ये वाला मंकी आइसक्रीम खा रहा है। गर्मी का टाइम है, इसे भी आइसक्रीम की ज़रूरत है। इंजॉय कर रहा है ये आइसक्रीम। थ्री थ्री कोन्स सही है। क्या कर रहे हैं, चल उसको गुस्सा आया। ये आप देख सकते हैं वाइट बक्स, सफेद मुर्ग, सफेद हिरन। और ये बर्ड भी एक इनके पास आई हुई है जो ये नीचे जंप मारी इसने, बहुत ही क्यूट बर्ड है। ये हमारे पास एक आया हुआ है हिरन, ये हिरन जितने भी हैं आप देखिए सब स्लिम फिट हैं, किसी का पेट बाहर नहीं आया हुआ, सब अपने पेट के अनुसार एक्यूरेट खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करते, वैसे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं पूरे दिन में। तो फिट रहना हमारे लिए बहुत बढ़िया है, आप भी सब फिट रहिए, कम खाइए और तंदुरुस्त रहिए। ये हॉर्नबिल बर्ड है, काफ़ी बिग है। यू आ जाओ बड़े को उठाना पड़ता है। पानी में गुस्सा
काफी क्लोज आ गया है, जैसे कि पोज दे रहा है ये। यह मस्ती में झूम रहा है एलिफेंट, बहुत ही इंजॉय कर रहा है लोगों का अपने को देखना, और हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पूरे फुल मस्ती के मूड में है ये। ये हबी बोर्डस होते हैं और इनका मेन फूड प्लांट्स और ग्रास ही है होता है, और बहुत सारा पानी पीते हैं ये। और इसके ओरिजिनल टीथ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, और सामने दिख भी रहे हैं। ज़्यादातर एलिफेंट्स के टीथ निकाल लिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली बिकते हैं, और इससे कई चीज़ें बनती हैं जो कि मार्केट में बिकती हैं। ये यहाँ पर अनुरक्षण अनुभाग है, यानी कि मेंटेनेंस सेक्शन। पूरे ज़ू की जो मेंटेनेंस का रख रखाव है वो यहीं से ही होता है। और आप भीड़ देखिए, काफ़ी लोग आज पिकनिक मनाने ज़ू में आए हुए हैं, चारों तरफ लोग ही लोग दिखेंगे आपको। आसमान भी बहुत ही सुहावना है मौसम। ये आप इंडियन एलिफेंट देख सकते हैं, जो भी पहले देखा था हमने वो अफ्रीकन एलिफेंट था। ये भी फुल मस्ती के मूड में है। यहाँ से दिख रहा है एक और एलिफेंट है सामने, बिल्कुल लग रहा है दोनों ही मस्ती के मूड में हैं, एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, अपनी ही लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं। जो हमें वो देखे हैं वो भी रे हम जो हम ले लियो किने के होय तो आया आउट आई से देखा ही किने के होय तो ना डर यो अरे चमड़ा जो ले रे ना यह वही टाइगर है जिसने ह्यूमन पे अटैक किया था, वाइट टाइगर। साइज आप देख सकते हैं काफी ह्यूज, और शायद ये अंदर जाने की वेट कर रहा है, बार बार वहीं घूम रहा है अपने पिंजरे में जाने के लिए, लेकिन अभी रास्ता बंद है। बहुत ही सुंदर है ये लेपर्ड, और ये रेस्ट कर रहा है अभी। ये देख सकते हैं आप लेपर्ड, और बहुत ही सुंदर जानवर में से एक है ये, बहुत ही काम नेचर का है और काफ़ी एनर्जेटिक। ये कार्निवोरस होते हैं और इनके टीथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पर हमारा दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क की एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है, और आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक के लिए आपके होस्ट पुनीत आहूजा की तरफ से आप सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।